दोस्तों ये वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो सब बांग्लादेश टूरिस्टों के लिए जो इंडिया कोलकाता में अगर आप जाना चाहते हो, और वो सब इंडियन टूरिस्ट के लिए जो कोलकाता से और इंडिया कहीं से आप बांग्लादेश आए हो और यहाँ से लौटना चाहते हो। क्योंकि इस वीडियो में करने जा रहा हूँ दो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से इंडिया पहुँचते रस्ते में टोटल कितना खर्चा आता है वो इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आपको दिखाता जाऊँगा, आपको डिस्क्राइब करता जाऊँगा। और दूसरा फेज़ में आपको मैं बोलूँगा एक बहुत बड़ा गलती जो बांग्लादेश के लोग करते हैं जब आप लोग इंडिया जाने के लिए तैयार होते हो, चाहते हो, मीन्स आप बाई रोड कोलकाता तक आप बॉर्डर तक आप पहुँचते हो, शैमली और ग्रीन लाइन ऐसे ट्रेवल जो सर्विसेज है, बस सर्विसेज है, आप पहुँच जाते हो बोनगा बॉर्डर। बट वहाँ के बाद बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आप फिर से उसका जो कनेक्टर बस रहता है, शैमली ग्रीन लाइन का जो कनेक्टर बस रहता है, उस बस से आप जाते हो कोलकाता। यकीन मानिए अब बस से अगर बॉर्डर से कोलकाता जा रहे हो वो वाला जर्नी आपके लिए है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, मतलब आपका समय को बर्बाद करता है। और तीसरा चीज़ वो जर्नी बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आप सबसे आसान तरीके से कैसे आप सिटी ऑफ चॉइस जिसको कोलकाता बोला जाता है, कोलकाता पहुँच सकते हो कम्फर्टेबल जर्नी के साथ और 30-30 रुपये 25 रुपये खर्चा करके। सो गाइस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा देखना है आपको। पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए बिकॉज इस वीडियो में आपको मिलेगा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए बांग्लादेश से इंडिया जाने के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहुँचते हैं इंडिया। बांग्लादेश से इंडिया जाने के लिए आप कौन सा बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हो? गाइस अगर कोलकाता आप जाने चाहते हो तो मेरा तो सजेशन है बोनगा बॉर्डर। बोनगा बॉर्डर इज द मेन एंड ईजिएस्ट बॉर्डर जिससे आप कोलकाता पहुँच सकते हो। तो बोनगा बॉर्डर कैसे जा सकते हो? गाइस बोनगा बॉर्डर जाने के लिए आपको लेना पड़ेगा बस फ्रॉम द बांग्लादेश, और बस के लिए आपको बस स्टेशन इधर से चलते हो। बस स्टेशन बेसिकली तीन जगह से है, ढाका से तो है, ढाका इज द कैपिटल। सेकेंडली यू विल गेट इट फ्रॉम द बोरिशल टू, और थर्डली चट्टोग्राम है। मेनली ये तीन जगह है और भी बहुत ज़्यादा जगह से भी बस छोड़ता है जाने के लिए। बैनापोल बॉर्डर जिसको बैनापोल बॉर्डर, पेट्रापोल बॉर्डर, बोनगा बॉर्डर भी बोला जाता है। सो गाइज ऑलरेडी मैं अभी आ चुका हूँ बोरिशाल नथुल्ला बस स्टैंड। क्या बस स्टैंड का नाम है? नथुल्लाबाद बस स्टैंड। यहाँ से मेरा बस है टू रीच द बैनापोल बॉर्डर। तो चलिए नथुल्लाबाद बस स्टैंड के प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है बिकॉज आई एम नॉट सो मच फैमिलियर विद द प्रोनाउंसिएशन। सो नथुल्लाबाद बस स्टैंड के मैं ऑलरेडी अंदर आ चुका हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर अंदर बहुत सारे बस काउंटर्स हैं जहाँ से बस का टिकट मुझको लेना है। तो मेरा जो बस का टिकट है दैट इज़ द मुझको जो लेना है दैट इज़ द जी एम राइट एम एम ट्रेवल्स का काउंटर में मुझको जाना है टू गेट द टिकट। हाँ हाँ दिस इज़ ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ MM बस सर्विस के सामने, दिस इज़ MM। और मेरा एक्चुअली प्रीवियसली बोला मैंने ऑलरेडी आई हैड बुक्ड ओवर द फोन, तो तरुण जी ने गया है टू गेट द टिकट फॉर माइन। एक्चुअली टिकट का प्राइस ज़्यादा नहीं है, एक्चुअली टिकट को आने दीजिए उसके बाद, तरुण जी गया है टिकट खरीदने के लिए, आने दीजिए उसके बाद टिकट का प्राइस क्या है वो रिवील करेंगे। बोरिशाल का एकदम सेंटर में ये नथुल्लाबाद बस स्टैंड है, बहुत ही फेमस बस स्टैंड है। जिसके साथ मेरा बात हुआ दे ऑल नो अबाउट दिस बस स्टैंड एंड ओके मेरा टिकट हो गया है। चलिए तरुण जी के साथ, तरुण जी से टिकट पहले ले लेता हूँ। तो दोस्तों ऑलरेडी मुझे मिल गया है मेरा टिकट। दिस इज़ द टिकट ओवर हियर, या दिस इज़ द टिकट ओवर हियर। ये टिकट है MM परिवहन, MM ट्रैवल बस सर्विस, और इस टिकट का प्राइस पड़ा मेरा 350 मीन्स इन बांग्लादेश टाका में, बांग्लादेश टाका में। अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो इसका कीमत होगा ओनली 300-300। सस्ता है, मीन्स 7-8 घंटे का जर्नी है, सिर्फ 300 रुपीज़ इस बस का फेयर है। मीन्स एक लग्जरी बस है, अच्छा कंफर्टेबल बस है, नॉन एसी है, इट इज़ नॉट एसी, नॉन एसी है, दैट्स गुड। एक्चुअली बांग्लादेश में एक चीज़ मुझको बहुत अच्छा लगता है दैट इज़ बस का कंडीशन। बिलीव मी हर बस बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर ट्रेन सर्विस इतना बढ़िया नहीं है इसलिए शायद बसेस एंड लॉन्चेस का सर्विस बहुत ही बढ़िया होता है। तो अभी हम लोग दोनों जा रहे हैं ढूंढने के लिए बस, मेरा बस कहाँ पर खड़ा है। तरुण भाई ने ऑलरेडी डायरेक्शन ले लिया है, पर हम उधर ही जा रहे हैं
बस को ढूंढने के लिए कहां पर है मेरा बस। तो दोस्तों ये है मेरा बस, बस के सामने मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, दैट इज द एम एम परिवहन। और एक्चुअली बस का जो डिपर्चर टाइम है रात को 9 बजे, अभी सिर्फ 8:30 अभी बाकी है। तो थोड़ा सा खाना वाना खा के मैं बिंदास रेडी हो जाता हूँ, आधा घंटे बाद बस में चढ़ेंगे, एक चैन की नींद सोएंगे, सुबह पहुँच जाएंगे बैनापोल बॉर्डर। तो गाइस चलिए देखते हैं बस के अंदर का सीन क्या है, और रास्ते में अगर मौका मिले फिर सब लोगों के साथ बात करेंगे, और बहुत ज़्यादा नींद आ गया तो सो जाएंगे बॉर्डर पहुँचने के बाद। वी विल टॉक और कितना बस का ड्यूरेशन लगता है, मीन्स यहाँ से बोरीशाल से बैनापोल पहुँचने का टाइम कितना लगता है, अभी पहुँचने के बाद आपको बताएंगे। और एक चीज़ आई वॉन्ट टू मैंशन, बोरीशाल से बैनापोल का जो बस का भाड़ा पड़ा दैट इज़ 350। अगर आप ढाका से चट्टोग्राम से बस बुक करोगे तो वहाँ का भाड़ा 300-350-200 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा माइट बी एडेड, बिकॉज वहाँ का डिस्टेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो दोस्तों ये है बस का सीन, मैं बस में चढ़ चुका हूँ, एंड दिस इज़ माई सीट एक्चुअली विंडो सीट, और ये इस बस का सीट का नंबर C। एक्चुअली प्रॉब्लम एक हो रहा है, एक्चुअली मेरा बैग रखने का जगह नहीं मिल रहा है, ऊपर जो रैक है दैट इज़ क्वाइट स्मॉल फॉर माई बैग, तो यहाँ पर नीचे बैग को रखना पड़ेगा एट दिल्स लाइक लेग प्लेस, रखकर ही सोते सोते मैं चला जाऊँगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, दैट इज़ द बैनापोल पेट्रापोल बॉर्डर। एक्चुअली बैनापोल पेट्रापोल बॉर्डर आने के लिए मेरा टाइम लगा अराउंड 6:30, रात को 9 बजे मैं बस पे चढ़ा, और मिडनाइट 3:30 बजे मैं पहुंच गया हूं बॉर्डर। बट अभी टाइम है 6:15, ये 3 घंटा मैं जो बस का जो वेटिंग रूम वहाँ पर मैं रुका। एक्चुअली बॉर्डर खुलता है अराउंड 6:30 इन बांग्लादेश टाइम, मतलब इंडियन टाइम में 6 बजे। सो गाइस दैट्स व्हाई आई हैड टू वेट ओवर देयर। सो अभी मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स द बॉर्डर, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है बस स्टैंड से। तो अभी इमिग्रेशन का मेन प्रोसेस शुरू होना है, इमिग्रेशन का पूरा डिटेल्स लेकर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए पहले इमिग्रेशन क्लियर करते, बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं क्या क्या सीन होता है बॉर्डर के, मीन्स इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे। उसके बाद आपको कैरेट फॉरवर्ड, मीन्स आपको समझाते हैं, डिटेल्स दे रहे हैं व्हाट इज़ इमिग्रेशन प्रोसेस, और उसके बाद जो मेन चीज़ आता है कैसे आप बैनापोल बॉर्डर से कोलकाता पहुँचोगे सबसे ईजीएस्ट सबसे सस्ता वे से, सिर्फ 20-25-30 रुपये खर्चा करके, वो भी आपको दिखाना है। मैं जाते जाते डिटेल्स आपको पूरा देता जाऊँगा। तो चलिए गाइस पहले बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। तो दोस्तों एटलस पे इंडिया वापस आ चुका हूँ, और बिलीव मी वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले चलिए बात कर लेते हैं अबाउट द इमिग्रेशन। गाइस इमिग्रेशन में क्या हुआ पहले वो डिटेल्स मैं आपको बता दूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ पता चल जाएगा। स्टेप नंबर 1, आप बांग्लादेश जब बॉर्डर में आते हो इस एकदम कस्टम्स में एंट्री करने से पहले ही आपको एक टैक्स एक चालान काटना पड़ता है। अगर आप इंडियन हो बांग्लादेश घूमने गए हो आपको भी देना पड़ेगा, अगर आप बांग्लादेशी हो इंडिया में घूमने आ रहे हो तब भी आपको देना पड़ेगा। और इस टैक्स का प्राइस है बांग्लादेश करेंसी में 550 टाका इन बांग्लादेश करेंसी। ये हो गया फर्स्ट। अब जब बांग्लादेश इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में एंट्री करोगे, आप अगर बांग्लादेश पासपोर्ट होल्डर हो आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तब भी आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, जाने के बाद भी आने के बाद भी। फॉर्म में बेसिक कुछ डिटेल्स, आपका पासपोर्ट नंबर, वीज़ा टाइप, कहाँ से आए हो, फ़ोन नंबर, बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप अकेला फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम एनीवन, वो पर 10 टाका लेकर कोई भी आपको हेल्प कर देगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। ये हो गया सेकेंड स्टेप। तो वहाँ पर लाइन में दो तरह के लाइन होते हैं, एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर का लाइन, एक बांग्लादेश पासपोर्ट होल्डर का लाइन। आप किसी भी एक लाइन में खड़े हो जाओ, किसी के मतलब जो पासपोर्ट है वो आपके पास, अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट आप लाइन में खड़े हो जाओ। बेसिक एक दो क्वेश्चन पूछेगा, कब गए थे, पर्पस क्या था, कहाँ पर रुके थे, कितना दिन का टूर था, एक दो बेसिक क्वेश्चन, चलो बांग्लादेश का इमिग्रेशन खत्म। बट लाइन बहुत ज़्यादा था सुबह के टाइम में, बिकॉज सभी सारे बांग्लादेश के जो बस सर्विसेज है सुबह के टाइम में नाइट कोचेस बस आते हैं, तो इसीलिए बस सर्विस के सब आते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम क्या हो जाता है वहाँ पर, बहुत लाइन बहुत था, तो इसीलिए लाइन देना पड़ा। 1 से 1.5 घंटा ऑलमोस्ट लग गया मेरा पूरा लाइन में खड़े खड़े चला गया। तो उसके बाद मैं इंडिया बॉर्डर में आ गया, इंडियन एम्बेसी में, सॉरी इंडियन कस्टम्स में।
वहाँ पर भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, जस्ट लाइक देखा कुछ, मुझको कुछ नहीं पूछा। बट अगर बांग्लादेश पासपोर्ट होल्डर हो, यू माइट बी आस्क्ड सम क्वेश्चन, कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, मीन्स आप कहाँ पर जा रहे हो, पर्पस ऑफ योर विजिट, ये सब क्वेश्चन। सो ख़त्म, यह था कुछ बेसिक थिंग। इमिग्रेशन कोई ज़्यादा टेंशन वाला नहीं है। हाँ, इंडियन बॉर्डर में आपको बांग्लादेश पासपोर्ट होल्डर हो तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है एज यूजुअल, जो आप बांग्लादेश बॉर्डर में फिलअप किया है आपने, ऐसे ही इंडियन बॉर्डर में भी दिया था, पर मैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ तो इसीलिए मुझे ये फॉर्म फिलअप करना नहीं पड़ा। ये था ऑलमोस्ट इमिग्रेशन का बेसिक थिंग। उसके बाद आकर आपका करेंसी एक्सचेंज उधर भी कर सकते हो, इधर भी आके कर सकते हो, ऑल अप टू यू मैन। तो गाइस, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आप कैसे कोलकाता पहुंचोगे? कोलकाता पहुंचने के लिए दो तरह के हुए हैं। अब तो बस बुक कर लो, बहुत लंबा जर्नी है, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, और यू नो कंफर्टेबल तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज रोड कंडीशन इज़ नॉट सो गुड। तो अभी मैं लिया हूँ, मेरा जो ऑप्शन है दैट इज़ द ऑटो। ये मैं ऑटो स्टैंड में आ चुका हूँ, आई एम इन द ऑटो स्टैंड। ऑटो स्टैंड से मुझको ऑटो लेना पड़ेगा, ऑटो लेकर मुझको जाना पड़ेगा बोनगा, मीन्स बोनगा जो रेल स्टेशन है, बोनगा रेल स्टेशन। ऑटो स्टैंड से मुझको थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, ऑटो से बोनगा पहुँचने के लिए कितना पैसा लगता है और कितना टाइम लगता है? ओके, बोल दिया भाई साहब ने, 30 रुपीज़ लगता है। तो दोस्तों, एटलीस्ट मैं आ चुका हूँ बोनगा जंक्शन स्टेशन बाई द ऑटो, और ऑटो से यहाँ तक आने के लिए टाइम लगा ओनली 15 से 20 मिनट, और फेयर एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट इज़ ओनली 30 रुपये, 30 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। और यहाँ से मुझको पकड़ना पड़ेगा ट्रेन, जिस ट्रेन जाता है सीधा कोलकाता का जो मेन स्टेशन शियालदा। तो अभी मुझको कलेक्ट करना पड़ेगा ट्रेन टिकट फ्रॉम द बोनगा जंक्शन स्टेशन। ये मैं आ चुका हूँ बोनगा जंक्शन स्टेशन हियर। तो चलिए पहले ट्रेन का टिकट काट लेते हैं, उसके बाद ट्रेन में चढ़ के आपके साथ बात करता हूँ क्यों मैंने बस को अवॉइड करके ट्रेन का टिकट खरीदा है। तो दोस्तों, ऑलरेडी मैंने खरीद लिया टिकट, ये देख सकते हो ट्रेन टिकट, दिस इज़ माय ट्रेन ओवर हियर। और एक्चुअली यहाँ से मीन्स बोनगा से शियालदा जो कोलकाता का मेन स्टेशन है, जाने के लिए आपको भाड़ा देना पड़ता है ओनली 25 रुपीज़, 25 रुपये से आप पहुँच सकते हो शियालदा जो मेन स्टेशन है। बट मुझको नहीं जाना है शियालदा, मुझे जाना है बालाशाह, दैट इज़ माई होम टाउन। तो मैंने टिकट लिया है अब द जस्ट पेइंग 15 रुपीज़ देकर मैंने टिकट लिया है। तो सोच सकते हो कितना कंफर्टेबल जानी ऐसा ही होता ट्रेन में, कितना सस्ता ये टिकट प्राइस है। तो सब कुछ मिला कि ये बहुत ही एक बजट अच्छा ट्रैवल है, बस को अवॉइड करके ऐसे, इसलिए मैं ट्रेन को पसंद करता हूँ ज़्यादा। तो चलिए पहले ट्रेन में बैठते हैं, उसके बाद बाकी बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो एटलस दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ मेरा होम टाउन बालाशाह में, और एक्चुअली यकीन मानिए फीलिंग वेरी गुड आफ्टर कपल ऑफ डेज, जब आप घर लौटते हो तो बहुत बढ़िया लगता है। तो चलिए अभी थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल मेरा जर्नी का खर्चा कितना पड़ा। सो गाइज, मैं बोरीशाल से मेरा जर्नी शुरू किया बस से, एंड बस फेयर वॉज अराउंड 315 बांग्लादेश करेंसी। उसको अगर इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करोगे दैट कॉस्ट अराउंड 300 जस्ट इन इंडियन करेंसी। और बैनापोल बॉर्डर आने के बाद आई बुक्ड, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आई टुक ऑटो, ऑटो का भाड़ा पड़ा ओनली 30 रुपीज़, 30 रुपये में मैं आ गया बोनगा जंक्शन। और बोनगा जंक्शन से मुझको लेना पड़ा ट्रेन, और ट्रेन का किराया पड़ा ओनली 15 रुपीज़, 15 रुपीज़। सो टोटल कितना हो रहा है, दैट इज़ अराउंड 330 एंड 15। टोटल गाइज 345 रुपीज़ में ऑलरेडी रीच्ड फ्रॉम बांग्लादेश टू कोलकाता। सो गाइज, है ना ये बहुत बजट ट्रैवलिंग। अगर ढाका से ट्रैवल कर रहे हो, चट्टोग्राम से ट्रैवल कर रहे हो, डिफरेंट जगह से ट्रैवल कर रहे हो, कुछ 200-300 रुपये के ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑलमोस्ट द फेयर इज सेम। एंड एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली दैट ट्रेन का फेयर अगर आप कोलकाता शियालदा तक लेना चाहते हो टिकट, तो उसका भाड़ा पड़ेगा 25 रुपये, बट मैं आई गॉट डाउन इन बालाशाह हृदयपुर माई होम टाउन, तो इसीलिए मेरा भाड़ा पड़ा ओनली 15 रुपीज़। सो ऐसे ही मैं बजट ट्रैवल करता हूँ, ऐसे आपको सजेस्ट करता हूँ टू डू द बजट ट्रैवलिंग। एंड ट्रेन जर्नी इज़ वेरी मच कम्फर्टेबल, 1 घंटे में पहुँच गया, और शियालदा में पहुँचना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा लग सकते हैं आपको, दैट्स क्वाइट गुड नो। सो होप सो गाइस, ये वाला छोटा इन्फॉर्मेशन, इस ब्लॉग का इन्फॉर्मेशन, कैसे बांग्लादेश से इंडिया आ सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा टू मेक योर प्लान अकॉर्डिंग टू योर बजट। देखो, जिसके पास पैसा है वो तो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। बट अ बजट ट्रैवलर इज ऑलवेज, उसको सोचना पड़ता है कैसे उसको बजट को कंट्रोल में रखे, कैन मैनेज बजट। सो होप सो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन पूरा आपको गाइड करेगा कैसे आप
बांग्लादेश से इंडिया एक बजट ट्रेवलर के तरह घूम सकते हो, कैसे आप इजीएस्ट वे से जा सकते हो इधर से उधर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ इस वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।